चतुर कालू कौवा। दोस्तों एक दिन की बात है जब चतुर कालू कौवा ने अपना दिमाग लगाकर और कहा कि हम आज से आइसक्रीम और कुल्फी बनाएंगे और फिर उन्हें अपने ठेले पर ले जाकर और बेचेंगे ताकि हमें खूब ढेर सारी आमदनी होगी और खूब ढेर सारा पैसा भी कमाएंगे। फिर वह पनीर की सब्जी बनाकर और बिरयानी बनाकर वह दोनों अपना ठेला लगा लेते हैं और दोनों कौवा कौवा इन दोनों ने खूब मेहनत से पनीर की सब्जी और बिरयानी बनाई और फिर बनाकर कुछ देर बाद फिर वह पनीर की सब्जी और बिरयानी बेचने के लिए अपने ठेले पर ले गए। तब तक यहाँ इधर टुन्नी चिड़िया भी आ गई और कहने लगी, क्या आप लोग बिरयानी बना रहे हो? बहुत सुगंधित बिरयानी बनाई है आप लोगों ने, इसमें खुशबू तो बहुत आती है लेकिन हमें कुछ धुमेल भी आती है। और फिर वह वहाँ से चली जाती है और कौवा और उसकी पत्नी बिरयानी बनाकर और इधर बेचने के लिए आ जाते हैं। फिर जैसे ही वह अपनी दुकान लगाते हैं तो एक बाज को बहुत महक आती है जिसके कारण वह आता है और कहता है, कालू भैया आप तो बहुत अच्छे हो क्योंकि आपकी बिरयानी तो पूरे जंगल में महक आ रही है और क्यों ना हमें भी खिलाओ अपनी बिरयानी। फिर वह बाज कुछ पैसे देता है और जिसके बदले में कालू कौवा ने उसको बिरयानी दी और जिसको खाकर तुरंत वह बाज बेहोश हो गया। पहले तो उसे बहुत अच्छी लगी बिरयानी, फिर वह बेहोश हो गया जिसको देखकर कालू की पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि उसकी बिरयानी में तो कुछ नशे वाली दवा भी मिक्स थी जिसके कारण वह बाज उठा और उस कौवे को बहुत जोर जोर मारने लगा। और जब खूब मारा तो दोस्तों उसकी पत्नी वहां से तुरंत डर के भाग गई। फिर वह कुछ दूर पहुंची लेकिन इधर बाज मारना कम नहीं कर रहा था। फिर उधर कौवा की पत्नी जब गई टुन्नी चिड़िया के पास और पूरी कहानी बताई तो टुन्नी चिड़िया अपने ऑटो से चली गई और कहा कि हाँ हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसकी पत्नी तोते से भी आकर कहने लगी कि मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, बाज राजा मेरे पति को मार रहा है और जल्दी से मेरी मदद करो और मेरे पति को बचाओ। तो फिर वह तोता भी उसके पास चला गया। तब तक इधर अपनी जान बचाकर कौवा अपने घर आ गया था। फिर जब उसकी बीबी घर जाती है तो देखती है कि उसका पति उसके घर ही आ चुका होता है तो वह अपने पति से पूछती है, ओए जी क्यों जी आपको तो बहुत मारा है लेकिन आखिर हमारी बिरयानी में कमी क्या हुई थी जिसके कारण बाज राजा बेहोश हो गया था। तो कौवा बोलता है, मुझे भी कुछ पता नहीं है आखिर क्यों बेहोश हो गया था, आज से हम यह धंधा नहीं करेंगे क्योंकि टुनटुनी चिड़िया जब बिरयानी बनाकर देती थी तो सारे कस्टमरों को बहुत पसंद आती थी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कालू ने यह काम अच्छा किया या खराब। फिर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चे को समोसे लाकर देती है और हंसी खुशी रात को सो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली जल्दी से नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के दीजिए इजाज़त, गुड बाय।